अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ एक टिप शेयर कर रहे हैं, किचन से जुड़ी टिप है। आप देख सकते हो सामने क्या रखा है। तो हरा धनिया किस तरह से आप स्टोर करके रख सकते हो, एक महीने तक ये फ्रेश ही रहेगा। हम इसी तरह से रखते हैं, तो आपके साथ ये टिप शेयर कर रहे हैं। तो एक महीने तक ये फ्रेश ही रहेगा इस तरह से, जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हो एक गड्डी हमने हरा धनिया लेकर रखा हुआ है। अभी हम इसको साफ करने का दिखाएंगे आपको किस तरह से साफ करना है। देखिए इस तरह से एक गड्डी है ये बड़ी। पहले हम इसकी ये डंडिया कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमने कट कर दिए, इसको साइड में रखेंगे। अभी हमको इसको अच्छे से जमा लेना है, एकदम अच्छे से इसको देखना है। अंदर खराब वराब पत्ता रहेगा तो निकाल देना है, मिट्टी बिट्टी रहेगी तो सब हमको निकाल देना है। तो ये टिप्स हमारी बहुत हमारे फैमिली में सबको पसंद आती है, तो उन्होंने कहा है कि आप आपके चैनल पर डाल दीजिए ये टिप्स, तो इसके लिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये। तो देखिए इस तरह से हम इसको साफ कर कर एक प्लेट में रखते जाएंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से हमको इसके अंदर देखना है, खराब वराब तो नहीं है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान से इसको साफ करना है, और इस तरह से इसको जो बड़ी बड़ी डंडियाँ रहेगी वो हम इस तरह से तोड़ देंगे। देखिए इस तरह से छोटी छोटी है तो वो रहने देंगे, और इस तरह से हम इसको प्लेट में रखते जाएंगे। अच्छे से इस तरह से जमा कर रखेंगे, आप देख सकते हो। देखिए ये बड़ी वाली डंडी हटा देंगे। सबको हम इसी तरह से साफ कर कर इस तरह से रख देंगे। आप देख सकते हो सभी हमने साफ कर कर इस तरह से रख दिया है। देखिए सब जो भी खराब पत्ते वो हमने निकाल दिए हैं। देखिए इस तरह से डब्बा ले लेंगे, बड़ा सा डब्बा लेना है, और इस तरह से इसके अंदर टिश्यू पेपर बिछा देंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से हम बिछा देंगे, और फिर इसके अंदर इसको इस तरह से उठाना है जिस तरह से हमने रखा है। देखिए इस तरह से उठाएंगे, और इसी तरह से हम इसको डब्बे में रखेंगे। आप दो भी डाल सकते हो टिश्यू पेपर। देखिए सभी हमारा एक ही इसमें आ गया है। इस तरह से हम इसको दबाएंगे, और इसको ऊपर से इस तरह से टिश्यू पेपर डालेंगे इस तरह से अंदर। देखिए इस तरह से, और इसका ढक्कन बंद कर देंगे। देखिए ढक्कन हमने बंद कर दिया है। तो और एक टिप दिखाना चाहेंगे हम आपको, वो और इजी है। आप उस तरह से रखना चाहो तो उस तरह से भी रख सकते हो, हम भी रखते हैं ज़्यादा होता है तो उस तरह से। इस तरह देखिए इस तरह से न्यूज़पेपर ले लेंगे, और इसको डबल ही रखना है, और इसको इस तरह से खोल लेंगे, और डब्बे में कहीं हम आपको दिखा देते हैं। हमारे पास फ्रिज में रखा हुआ है 10 दिन का, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि 10 दिन का हरा धनिया हमारा कितना फ्रेश है अभी भी। तो देखिए इस तरह से इसको रख देंगे, न्यूज़पेपर में रखेंगे तो थोड़ा सा इस तरह से इसको फैला कर रख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, खुला खुला रहेगा इस तरह से थोड़ा सा, और इसको इस तरह से इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से अच्छे से इसको फोल्ड कर लेना है। देखिए
तो आप इस तरह से भी रख सकते हो न्यूज़पेपर में। पर आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, आप इसको न्यूज़पेपर में रखिए या टिश्यू पेपर में रखिए, आपको 4-5 दिन में न्यूज़पेपर भी चेंज करना पड़ेगा और टिश्यू पेपर भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है। इसके लिए इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो हमने 10 दिन पहले रखा हुआ है वो हम आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हो इस तरह से न्यूज़पेपर में रख कर फिर इसको पॉलीथीन में रखना है, तो इसके अंदर मॉइस्चर आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए ये आप इस तरह से रखिए, देखिए इस तरह से थोड़ा सा इसके ऊपर मॉइस्चर आया है, देखिए। देखिए आप देख सकते हो ये भी हमारा कितना फ्रेश है। इस तरह से फिर इसको देखकर अच्छे से जो ख़राब हुआ है वो निकाल देंगे। तो आप देख सकते हो, देखिए इस तरह से निकाल देना है। देखिए ये ख़राब हो चुका है, तो थोड़ा थोड़ा इसको इस तरह से देखकर फिर हमको पेपर चेंज करके फिर उसको रखना है। तो ये इस तरह से फ्रेश ही रहता है, आप खुद देख लीजिए। ये 10 दिन का है, कितना फ्रेश है आप खुद देख लीजिए। एक आधा पत्ता इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर से वो हो जाता है, ये देखिए। एक महीना आराम से चल जाता है, देखिए थोड़ा सा इसके अंदर पीलापन आ जाता है। तो जब न्यूज़पेपर आप चेंज करोगे तो सब अच्छे से साफ़ करके वापस से इसको रख देना है। तो हम इसी तरह से करते हैं, हमेशा इसी तरह से हम रखते हैं। तो इसके लिए हम आपके साथ ये टिप शेयर कर रहे हैं। अभी हम इसको रख देंगे। ये देखिए फ्रेश वाला हमने डब्बे में रख दिया, और ये हमारा 10 दिन वाला है। तो इस तरह से ज़्यादा होता है तो हम दो जगह रखते हैं। तो इस तरह से हमने आपके साथ दोनों भी टिप्स शेयर किए, जो आपको इजी लगे आप उस तरह से फॉलो कीजिए और आपका हरा धनिया 1 महीने तक ख़राब नहीं होगा। तो कैसी लगी हमारी ये किचन टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपने दुआओं में याद रखिए। इसी तरह से हमारी हौसला अफजाई कीजिए, इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। हमारे रेसिपीज़ की वीडियो बहुत सारे आपको पसंद आते हो तो आपके फैमिली मेम्बर्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दुआओं में तो ज़रूर से याद रखिएगा। तो मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह।